हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, से भी जमसा शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों की चल रही है मस्ती। तो यहाँ पर पता है हम लोग, जैसे मम्मी है ना, वीडियो दिखा रही थी कि एक बच्चे को ऐसा ऐसा मतलब मार दिया, तो बस वही हम लोग वीडियो देख रहे थे। तो ये दोनों बच्चे भी लड़ाई करने लग जाएंगे, क्योंकि पता है मतलब एक ही एज के रहते हैं तो ऐसा ही हो जाता है। तो बस यहाँ पर इतनी तेज़ धूप, इतनी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। वैसे तो पता है मुझे गर्मी में यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत तेज धूप रहती है, गर्मी रहती है बहुत। जैसे सारनी में, वहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। तो बस ये मेरा भांजा है, मीन्स मेरा मेरी कज़न है, उसका बेटा है। तो बस मैं यहाँ पर, मेरे घुटने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, मेरे से चलना ही नहीं होता है। मतलब दोनों घुटने में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, पता नहीं कैसे क्या होने लगा, समझ में नहीं आ रहा है, बैठना भी नहीं होता मेरे से ऐसे। तो वैसे पहले से मेरे घुटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मतलब मैं पहले से ऐसे दो पैरों पर ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाती, इसलिए आपने देखा होगा थोड़ा सा मैं पैर उच, मतलब जैसे ऐसे उठ क्या बोलेंगे उसको उठा कर है ना, ऐसे करके बैठ जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेरे से चलना नहीं हो रहा था, और कभी कभी हम लोग सपने में देखते ना कि हमसे चलना ही नहीं हो रहा, हमारे पैर बहुत ज़्यादा दुखते, वैसे ही हो रहा था। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े निकालने के लिए आई थी, बहुत तेज़ धूप इतनी ज़्यादा कि अभी बहुत ही ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पर ये अभी देख रहा था साइकिल, ये बोल रहा था, बोले ये सोच रहा था कि अच्छी होगी, तो ये इसकी मम्मी की ही है। तो यहाँ पर मोबाइल मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, मैंने कूलर के सामने रख दिया कि मेरा मोबाइल ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी वीडियो शूट कर रहा है, तो वो बोल रहा था कि मैं उसी में वीडियो शूट कर देता हूँ। वैसे तो मैं उसको ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करने देती, पर वो क्या करता है, आ ही जाता है शूट करने के लिए, बच्चा है ना। तो बस अभी मुझे कुछ बनाना है, मतलब कि जैसे अभी मुझे ना कुछ काम करना है किचन में, ये बर्तन वगैरह निकाल के दे दूँगी, मम्मी बर्तन साफ़ कर लेंगी। और बस अभी जैसे कि इवनिंग है, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी, सब्ज़ी मैं बना लूँगी, और सब्ज़ी मैं ही बना लूँगी, मम्मी वगैरह बना लेगी, जैसे रोटी वगैरह बनाना है तो वो बना लेगी। तो ये छोटे छोटे प्याज मेरा भाई लेकर आ गया था, इतने छोटे छोटे, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता है ऐसे छोटी छोटी चीज़ें देखती हूँ ना मैं, क्योंकि कब तक छिलते रहेंगे, इतना सारा घर में काम रहता है, पर ये लोग तो मैनेज कर लेते, पर मेरे से नहीं हो पाता। अगर छोटे छोटे प्याज लाते हैं ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैं ये प्याज वगैरह, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी। पानी डालने से क्या होता है, मतलब इसको कट करके डालना चाहिए पानी, तो उसमें जो भी मतलब वो जो तीखापन रहता है वो आँखों में नहीं जाता है, तो ऐसा होता है। तो बस यहाँ पर मैं प्याज मैंने थोड़ा सा कट करके, बीच में से कट करके मैंने पानी में रख दिया है, और यहाँ पर बस मैं झाड़ू लगा लूँगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों की लड़ाई चल रही है, लड़ाई नहीं मतलब कि ये लोग गेम खेल रहे हैं, मारने पीटने का जो भी बच्चे का होता है वो गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो सोफ़ है, तो वो यहाँ पर बहुत सारी रखी है, जिसकी इसमें रखा हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि इसको है ना धो के अच्छे से सुखा कर इसको भूंज के रख दूँगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे सोफ खाना, अजवाइन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा होगा, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम है। तो क्या है, जैसे कि अब पानी लेने के लिए हैंडपम्प है, तो वहाँ पर लोग आए हैं, तो वहाँ पर जो भी इधर उधर की बातें चलती रहती है, वो बातें हो रही, इसके घर की, उसके घर की, ये वो क्या हो गया गाँव में, तो वो सब कुछ चल रही है। तो बस वैसे आपका आवाज़ सुनाई दे रही होंगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सोफ़ को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। पहले सोचा था कि ऐसे ही धो लूँगी, फिर बाद में सोचा कि नहीं, इसको ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पर भी लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं, पर ऐसा ना गांव में कितनी भी धूप रहे चाहे कुछ भी रहे, पर वो अपने काम, मतलब खेत का जो काम करने, जो भी काम है, बेचारे कभी नहीं देखते कि धूप है कि क्या है, वो अपने काम से काम ही, मतलब काम से मतलब रखते हैं। गाँव के लोगों की तो ये अच्छी बात होती है कि वो ज़्यादा अपने काम में ध्यान देते हैं।
सॉरी। तो बस यहाँ पर मैं सौंफ को धो लूँगी अच्छे से।